खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। सीआरजी, जिस तरह से देखा जाए अब लॉकडाउन और लॉकडाउन 2 बढ़ा दिया गया है, यानी कि 19 दिन और अब लॉकडाउन रहना पड़ेगा। इस बीच आज कुछ गाइडलाइन जारी की गई है होम मिनिस्ट्री की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि बाकी सारी चीज़ें पहले की तरह ही रहेंगी, यानी कि ट्रेन बंद रहेगी, फ्लाइट्स बंद रहेंगी और तमाम चीज़ें जो ट्रांसपोर्ट हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो भी बंद रहेंगे। लेकिन कृषि विभाग में कुछ छूट दी गई है, कृषि से जुड़े कुछ जो काम है वो किए जा सकते हैं, इसको लेकर छूट दी गई है, क्या कहेंगे सर? कुछ सही निर्णय माने प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्रालय ने, गृह मंत्री जी के निर्देशन में जो गाइडलाइंस जारी की है तो बहुत उचित की, क्योंकि फ्लाइट्स हैं, रेलवेज हैं, जिनसे ज्यादा संक्रमण फैलने की रहती है उनको बंद किया गया है। लेकिन क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है और हार्वेस्टिंग का टाइम चल रहा है, पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर गेहूं की कटाई चल रही है, गेहूं जो आदि की, इस कारण से इस समय किसानों को कटाई के लिए और इनकी भी है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा और मास्क वगैरह या अपना गमछा वगैरह अपने मुंह पे लगा करके कटाई का कार्य करें, इसलिए छूट सही दी है प्रधानमंत्री। क्यों, बिल्कुल, लगातार ये कहा भी जा रहा था किसानों की तरफ से कि हमारी जो फसल है वो बर्बाद हो रही है, उसमें क्योंकि फसल का समय है वो कुछ समय के लिए होगा और इस तरह से अगर लॉकडाउन होगा रहेगा तो हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये जाहिर सी बात है, एक अच्छी छूट है। लेकिन इन सब के बीच अगर हम राजस्थान की बात करें तो आंकड़े भी लगातार वहाँ पर बढ़ रहे हैं, आंकड़ा बढ़कर पूरे प्रदेश में 1034 हो गया है। सिर्फ और सिर्फ जयपुर की बात करें तो आज ही 29 नए मामले सामने आए हैं। बिल्कुल सही है, एक्चुअली राजस्थान के अंदर पिछले कई दिनों से थोड़ा सा कोरोना का फिगर बढ़ रहा है और राजस्थान सरकार के द्वारा और भारत सरकार के निर्देशन में, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की जा रही है उनकी सारी पालना कराई जा रही है और प्रधानमंत्री जी ने जो जनता कर्फ्यू, उसके बाद में आपका 5 अप्रैल को जो कार्यक्रम रखा और ये लॉकडाउन किया 26 से, फर्स्ट जो लॉकडाउन फर्स्ट लागू किया गया था, इन सबसे कंट्रोल में है सिचुएशन। लेकिन क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी जिसमें देखा गया कि 15 दिन, कई बार 10-15 दिन तक सिम्टम्स बिल्कुल नहीं दिखाई देते और वो पेशेंट ज्यादा गड़बड़ करते हैं। अभी हमारे नागौर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बासनी गांव है, वहां पे एक व्यक्ति को टीबी थी, वो डॉक्टर के पास अपना टीबी का इलाज के लिए गोली लेने गया, वहां उसका जांच कराई तो ही वाज फाउंड क्रॉनिक कोरोना का पेशेंट पाया गया और उसके साथ में जो नमाज वगैरह कुछ पढ़ रहे थे उनका लिया, उनके कोई सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उनका लेने के बाद में टेस्ट लेने के बाद में पता लगा कि वो भी चार पांच आदमी फिर इसके कोरोना से पीड़ित संक्रमित व्यक्ति थे। तो इस कारण से ये एक ऐसी संक्रमित बीमारी है जो तुरंत दूसरे पे चली जाती है और इसी कारण से प्रधानमंत्री जी ने सोशल डिस्टेंसिंग, इसी प्रकार से डॉक्टर्स को सारे बता, साबुन से हाथ धोना, 20 सेकंड तक हाथ धोना, मुंह पे मास्क रखना, यदि कहीं पे आप बाहर गए तो सैनिटाइज करवाना, ये सारी जो मैं धन्यवाद दूंगा और अभिनंदन दूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने सबसे पहले सोच रखी कि जो ही चाइना में एक पेशेंट पाए गए तुरंत उन्होंने बाहर से आने वालों का आइसोलेशन में रखना, उनकी पूरी स्क्रीनिंग कराना, इसी प्रकार से देश के अंदर ये जनता कर्फ्यू, इसी प्रकार लॉकडाउन लागू करना, राजस्थान सरकार ने भी अपना पहले से ही लॉकडाउन होना चालू कर दिया था, तो दोनों केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार मिलकर के अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ टीम वर्क की जरूरत है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार अगर मिलकर काम करेगी तभी इस लड़ाई से जीता जा सकता है। इन सब के बीच लॉकडाउन 1 की अगर हम बात करें, अब लगातार ये कहा जा रहा है कि और सख्ती से लॉकडाउन 2 का पालन कराया जाए, ये प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि लॉकडाउन 1 की अगर हम बात करें, हमने तमाम जगह से ऐसी तस्वीरें देखी, कुछ लोग राशन की दुकानों पर भीड़ लगाकर खड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पर पालन नहीं हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और अब अगर इस बार की बात करें तो कुछ एरियाज हैं जिनको हॉटस्पॉट बनाया गया है, यानी कि जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा है उनको चिन्हित किया गया है, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत है प्रशासन को, क्या लगता है आपको? बिल्कुल अनन्या जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जहाँ पे मरीज ज्यादा पाए जा रहे हैं, जहाँ संभावनाएं और ज्यादा है, उनको बिल्कुल आइसोलेट किया गया है, उनको कर्फ्यू लगा करके वहाँ पे दूसरों का आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया, वहीं से इवन घर के बाहर निकलने के भी
मनाई कर दी गई, कोई भी व्यक्ति घर के बाहर नहीं निकलेगा। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, अपने घर के बाहर एक लक्ष्मण रेखा खींच दो, उसके बाहर कोई नहीं आए। और उसी के अनुरूप जो हॉट स्पॉट टाइप दिख रहे हैं, जैसे जयपुर का रामगंज इलाका है, इसी प्रकार से पहले भीलवाड़ा का टाउन था, बिल्कुल कर्फ्यू में आज भी उससे पूरा कर्फ्यू लगा रखा है। हमारे जैसे ही मैंने बताया बासनी गांव नागौर के पास में, उसमें टोटली कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो ऐसे जहां जहां मरीज पाए गए जा रहे हैं, उनको कर्फ्यू टाइप लगा दिया गया है, पूर्णतः मात्र इमरजेंसी सर्विसेज के लिए ही सुविधा दी जा रही है। अन्यथा खाना भी खाने के पैकेट तक पहुंचाए जा रहे हैं, ताकि किसी को भी वो आगे जाकर के रोग आगे संक्रमित नहीं करे, इस बात की पूरी व्यवस्था की जा रही है। लॉकडाउन टू के तहत बिल्कुल सही कह रहे हैं, लॉकडाउन फर्स्ट में कुछ जैसे खाद्य सामग्री की दुकानों के सामने कई जगह भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, लेकिन उसको अब सख्ती से पालन करवाया जाएगा कि कोई भी आदमी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखे और इवन खाद्य सामग्री भी घरों पर पहुंचाने की। बिल्कुल, और बिल्कुल सीआर चौधरी जी, लेकिन आने वाले 2-3 दिन काफी चुनौती भरे होंगे, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए लगातार जिस तरह से ये खबरें आ रही थी और लोगों को ये चीज लग रही थी कि हो सकता है 14 से लॉकडाउन खत्म हो जाए, लेकिन अब लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया, यानी कि 19 दिन और। तो कई सारे लोग ऐसे थे जो घर जाने की तैयारी में थे, उनका यही कहना था कि किसी भी तरह यहाँ पर है, अपने घर पहुंच जाए तो कम से कम जो रोजी रोटी का संकट है वो कम से कम खत्म हो जाएगा। तो आने वाले 2 या 3 दिन और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है प्रशासन के लिए, क्या लगता है आपको? आपने सही कहा कि ये अगले 3-4 दिन वास्तव में बिल्कुल एक तरह से चुनौती भरे दिन है, और इस समय हमें प्रशासन और सरकार को पूरा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मजदूर जो इतने दिन इस आशा में थे कि भाई 14 तारीख को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और हम अपने घरों की ओर जाएंगे, कई जगह तो फंसे हुए भी हैं, उनके कोई ये बीमारी नहीं है, लेकिन उनको इसलिए आइसोलेट करके जहाँ थे, जहाँ से आ रहे थे वहीं रास्ते में रोक करके उनको स्कूल से या कई जगह पे रोका गया, वहीं पे उनको खाना वाना दे रहे हैं। तो उनकी इच्छा है कि जल्दी से वो अपने घर पहुंचे। तो ये यदि ये वास्तव में दोबारा इस प्रकार का थोड़ा सा भी रुझान कहीं हुआ तो थोड़ा मुश्किल करेगा, लेकिन प्रशासन इसमें जागरूक है और उनको समझा बुझा के उनकी कोई सारी व्यवस्थाएं हैं, कहीं किसी प्रकार की उनको प्रॉब्लम नहीं आने दी जा रही है लोगों को, ताकि वो जहाँ है वहीं रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही निर्णय ले रखा है, लॉकडाउन की सख्ती से पालना करें और इसको स्वेच्छा से और अपने मन से भी पालना करनी, बहुत बड़ी महामारी है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।